मैंने सोच लिया है, मैं शर्त पूरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की तो वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं भी तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूँ यार, लेकिन मैं शर्त पूरी नहीं कर सकता यार। एक ऐसी शर्त जो पूरी ना हो तो मौत के सिवाय और कुछ नहीं, और अगर पूरी हो तो भी जिंदगियां बचाना मुश्किल। ये कोई शर्त नहीं थी बल्कि मौत का एक खेल था। ये साल 2019 का एक दिल दहला देने वाला केस था, जिस साल को विदा देकर अब हम साल 2020 में आ चुके हैं। लेकिन गुजरा हुआ साल 2019 जब शुरू हुआ था तो उसके आगमन के साथ साथ कुछ ऐसी वारदातें सामने आई थी जिनमें कुछ जिंदगियों के लिए वो साल आखिरी साबित हुआ था, और इन सब की वजह बनी थी वो शर्त। अच्छा गाइस, एक सेकंड, मैं आप सबको वापस से नए साल की बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबसे यहाँ से जाने की इजाजत चाहूंगा। लेकिन गाइस, ये पार्टी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब ये पार्टी मेरी तरफ से मेरी वाइफ मालिनी होस्ट करेंगी। मेरी 3:30 बजे की फ्लाइट है, मैं चलता हूँ। लेकिन गाइस, आप सब लोग खूब एंजॉय कीजिएगा। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय बाय, हैप्पी जर्नी राहुल। राहुल, तू तो चला जाएगा पर तेरी बहन अभी तक नहीं आई। आपके हमारे फिक्र करने से वो कभी सुधरी है जो अब सुधर जाएगी। लेकिन राहुल, मम्मी, हम निमिषा को जितना रोकेंगे टोकेंगे वो उतना ही सीन क्रिएट करेगी, इसलिए उसे उसके हाल पे छोड़ दो। उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। अच्छा मम्मी, मुझे लेट हो रहा है, आप अपना और मालिनी का ख्याल रखना। 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। बाय। हिम्मत कैसे मुझे छूएगी? होश में आ निमिषा, ये क्या तमाशा लगा रखा है सबके सामने? और तुम दोनों यहाँ खड़े क्यों? निकलो यहाँ से। माँ, वो मेरे दोस्त है, उनके इंसल्ट मत करो। और ये भी तुम्हारी भाभी है। मम्मी जी, जाने दीजिए। एवरीवन, वी आर सो सॉरी, हमारी वजह से आज आपकी पार्टी खराब। भाभी जी, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो निकलते, चलो। तुम दोनों नहीं जाओगे क्या? तुमने बिगाड़ा है इसे। रुको, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, हम यही पार्टी करेंगे इन लोगों की आंखों के सामने। जहाँ पे वो लड़का घायल मिला था, हमने वहाँ पे पूछताछ की तो ये लड़की सामने आई। ये उस लड़के को जानती है। साहब, साहिल है वो। कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अभी बेहोश है लेकिन जल्दी होश में आ जाएगा। वैसे तुम क्या लगती हो उसकी? मैं दोस्त हूँ उसकी। कितने टाइम से जानती हो उसको? कुछ महीनों से ही जानती हूँ। और रहता कहाँ है वो? उस्मानपुर में, लेकिन मुझे पता नहीं मालूम, उसने कभी बताया नहीं। साहब, एक बार देख लो उसे। ठीक। हाँ शर्मा जी। पीछे रही, पीछे रही। दोनों के बाजू पर एक्स का निशान बनाया गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? सर, इन दो मर्डर के साथ साथ इस घर में लूट भी हुई है। दो कत्ल हुए हैं, लूट हुई है और कत्ल करने के बाद दोनों के बाजू पर एक्स का निशान बनाया गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये दोनों फीमेल्स यहाँ पे अकेली रहती थी? नहीं सर, एक बेटा राहुल और उसकी बहन निमिषा भी रहती है। राहुल कल मीटिंग के लिए सिंगापुर गए, उसको इन्फॉर्म किया है। और उसकी बहन निमिषा? सो उसका पता नहीं और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ऐसे भी उसको अपने फैमिली की कुछ पड़ी नहीं है। मतलब? सर हमारी सोसाइटी में 5 घर हैं और हर साल एक घर का नंबर आता है जो न्यू ईयर की पार्टी देता है। कल न्यू ईयर की पार्टी शुरू हुई तो राहुल निकल गया क्योंकि उसको सिंगापुर जाना था और उसके बाद उसकी बहन नशे की हालत में अपने दोस्तों के साथ आई थी। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, हम यही पार्टी करेंगे। तेरी पार्टी तो मैं ही बुलाती हूँ। तुम लोग मेरे दोस्त है, वो लोग ये लोग मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे और मैं तुम लोगों को छोड़ के अभी जा रही हूँ। निमिषा के साथ उसके दोस्त कौन थे? सर मैं तो नहीं जानता हूँ उन्हें। राहुल और निमिषा का फोन नंबर है आपके पास? जी सर, पूरी सोसाइटी में कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और सर यहाँ का गार्ड भी गायब है। नाम क्या है गार्ड का? जयदेव मिश्रा, एएसए सिक्योरिटी एजेंसी से हायर किया है। सर एक दिन उसका राहुल से बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। कैसा झगड़ा? राहुल की वाइफ मालिनी को लेकर झगड़ा हुआ था। अरे राहुल, अरे राहुल, अरे क्यों मारे भाई? अरे मार क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो? एक तो मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करता है और मुझे कर दिखाता है। मालिनी के साथ बदतमीजी कराता है। छोड़ूंगा नहीं। तो गार्ड को निकाला क्यों नहीं उस वक्त? सर उसने माफी मांगी तो उसको फिलहाल नोटिस पीरियड पे रखा हुआ था। सर मेरी अभी राहुल से बात हुई, सिंगापुर से 5 घंटे बाद इंडिया की फ्लाइट है, उसी से आ पाएगा वो। प्रकाश सर वो गार्ड अपने घर पे नहीं मिला है, उसके एक पड़ोसी ने बताया कि वो अभी थोड़ी देर पहले घर से निकला है। हो सकता है भागने की फिराक में। सभी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर उसकी फोटो सर्कुलेट करवा। ठीक है सर। गार्ड और निमिषा अपनी माँ और भाभी से झगड़ा करके घर चली, अब वो भी गार्ड पता करो का और उसके दोनों दोस्त, उनके बारे में पता करो। सर कैसा है? बहुत अच्छा है। चांदनी चौक से खरीदा है पूरे 200 रुपए में। चांदनी चौक? हमें तो कभी नहीं लेके गए तुम चांदनी चौक, अकेले होके आ गए। अरे यार तुझे तो मैं कुल्लू मनाली लेके जाऊंगा। पहले एक बार शादी तो कर ले और मैं तुझे जहन्नुम पहुंचाऊंगा। साले तेरी तो। भाई भाई छोड़ो से, भाई छोड़ो से। साले तो तुम हो, इसके होने वाला बहनोई है तुम्हारा, समझे? अगर ऐसा हुआ ना, ना बहन रहेगी ना बहनोई, दोनों को काट के फेंक दूंगा, समझी? तक साहिल, सलमा, सलमा। मैं जानती हूँ, तुम्हारा गुनहगार कौन है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना साहिल। साहिल, साहिल, डॉक्टर, डॉक्टर, देखिए ना क्या हो रहा है इसे। अब बात की। हाँ। सर, वो गार्ड आनंद विहार बस स्टॉप से यूपी की बस पकड़ने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने उसे दबोच लिया। बस आधे ही घंटे में वो गार्ड यहाँ पर होगा। सर साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। बोल साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं डर गया था कि आप लोग मेरे ऊपर शक करो। राहुल की वजह से तुझे नौकरी छोड़ने का नोटिस मिला था, इसी बात का बदला लिया ना तूने। और राहुल की बीवी के ऊपर तेरी बुरी नजर थी ना। मैडम ने गलत सोच लिया था साहब। अरे भैया, वो वाली इंग्लिश फिल्म जरा हमको भी दिखाओगे क्या भैया? बड़ा मजा आएगा, हम कहते थे। मैडम सॉरी। हाथ कैसे लगाया तुमने? और फिर राहुल साहब ने भी आके बेकार में बजा दिया। अरे राहुल साहब, उस वक्त तू ड्यूटी पे था ना, फिर तेरी ड्यूटी पे रहते इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? साहब मानता हूँ कि मैं ड्यूटी पे था, लेकिन उस रात मैंने थोड़ी सी पी ली थी साहब। सुबह जब आँख खुली तो राहुल साहब का घर का दरवाजा खुला दिखा साहब। साहब मैं डर गया कि पुलिस मुझे पकड़ ली और फिर मैं भाग गया साहब वहाँ से। तू भागा इसलिए था क्योंकि तूने उन किलर्स को एंट्री दी थी, तू भी उनके साथ मिला हुआ था ना। चल सच बता, और कौन कौन शामिल है इस कांड में, और ये लूट का माल कहाँ रखा है? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। हमने उस गार्ड को बहुत तोड़ा, लेकिन वो कुछ उगल नहीं रहा। क्या आपको किसी और पर शक? सर उस आदमी पर भरोसा मत कीजिए सर, पक्का उसी ने कुछ किया है सर, तभी तो वो भाग गया था। आपकी बहन निमिषा कहाँ है? हमें पता चला है कि आपकी बहन की आपकी माँ या आपकी बीवी किसी से नहीं बनती थी, सब उससे परेशान थे। और जिस दिन वो घर से गई, उस दिन भी आपकी माँ और बीवी से झगड़ा करके गई। सर आप कहना क्या चाहते हैं? सर वो मेरी बहन है, माना कि वो थोड़ी बिगड़ैल थी, लेकिन सर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सर प्लीज आप उसे ढूंढिए। आप हमारी मदद कीजिए, आप निमिषा के दोस्तों के बारे में कुछ तो जानते होंगे। सर मैं हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहता था, और फिर निमिषा को भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। हमें आपकी बीवी और माँ की कलाई पर ये कुछ मार्क्स मिले। आपकी बीवी की कलाई पर ये एक एक्स बना हुआ था, और आपकी माँ की कलाई पर ये 2 एक्स बने। इन मार्क्स से रिलेटेड आपको कुछ भी पता है? ध्यान से देखिए, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत काम की हो सकती है। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, एक ही झटके में मेरी पूरी फैमिली। सर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि जिस चाकू से मालिनी और सरिता के गले रेते गए, उसी चाकू से इनकी कलाई पर ये एक्स मार्क्स बनाए गए। और कोई कातिल कत्ल करने के बाद इन औरतों की कलाई पर ये एक्स के मार्क क्यों बनाएगा? क्या मकसद हो सकता है? सर किलर का मकसद सिर्फ लूट और मर्डर ही नहीं लगता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मालिनी के साथ भी हुआ था, वो भी इसकी हत्या के बाद। कत्ल करने के बाद ये किलर जो भी है, बहुत ही विकृत मानसिकता का है। ये वो गार्ड भी हो सकता है, उसी की मालिनी पर बुरी नजर थी। उस गार्ड को बहुत तोड़ा, लेकिन वो कुछ उगल ही नहीं रहा। एक बात और सर, मालिनी की बॉडी पर 2 आदमियों के डीएनए मिले। 2 लोग? उस रात निमिषा के साथ भी उसके 2 दोस्त देखे गए थे। निमिषा का कुछ पता चला? नहीं सर, निमिषा का कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद सभी नंबर्स में से मैं 2 लड़कों को जीरो डाउन कर रहा हूँ जो उस रात पार्टी में निमिषा के साथ देखे गए थे। 2 कत्ल हुए, कत्ल के बाद मालिनी का किया गया। मामला सीरियस है। क्या है यार, जब देखो तब कपड़े उतारने के चक्कर में लगे रहते हो। तुम्हें देखता हूँ ना तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ये भावना अपने तक रखो, वरना कोई और भावना ढूंढ लो अपनी हवस पूरी करने के लिए। सुनो सिद्धिका, रुको ना। टाइम नहीं है मेरे पास, पापा वेट कर रहे हैं घर पर। सुनो सिद्धिका, सुनो ना। हेलो सर। हेलो। आपका रेगुलर पिज्जा। थैंक यू। चाय पियोगे? नो थैंक यू सर। आप रोज मेरी खिदमत करती हो, ये पिज्जा लेकर आती हो, मुझे भी तो मौका दो। सर, निमिषा के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर मिले हैं उनमें से मैंने इन 2 लड़कों को जीरो डाउन किया और सब पड़ोसियों ने भी कंफर्म किया है कि यही दोनों लड़के उस रात निमिषा के साथ देखे गए थे। सर, यह है मनोहर, लेकिन इसका फ़ोन बंद है अभी और इसके फ्लैट पर भी कोई नहीं है। और यह है रुपेश, ये मिल गया है सर, हमारी कस्टडी में है। सर मुझे मालूम नहीं कि सर निमिषा कहाँ है सर। और मनोहर, वो कहाँ है? मनोहर? कौन मनोहर सर? तुझे और मनोहर को ही घर लेकर गई थी ना निमिषा, कहाँ है मनोहर? निमिषा उसे मनु बुलाती थी सर, मुझे मालूम भी नहीं कि उसका नाम मनोहर है सर। निमिषा मनु का दोस्त है, इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं सर। तो फिर उस रात निमिषा को कहाँ लेकर गए थे तुम दोनों? वो हमें लेके गई थी सर, मैं तो बस उसके साथ था। अरे मम्मी नहीं होती ना तो आज हाथ उठ जाता मेरा उन पे, बेकार में जड़ दिया यार। अबे ये सब छोड़ो यार, अभी बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? जानू मैं। अबे तो छोड़ना यार, तू पुड़िया लेकर आना यार अंदर से। अल्कोहल के ऊपर ड्रग्स लेगी, अबे मर जाएगी। अरे यार तेरे हिस्से की उम्र खा रही हूँ क्या मैं? तुम्हार मनु, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दे यार। ड्राइवर समझाए क्या? चल निकल। मैं बहुत मुश्किल से घर पहुँचा था, मुझे नहीं पता कि उसके बाद वो दोनों कहाँ गए थे। मतलब तो खुद को भी बचा रहा है और मनु को भी। बेटा सच तो ये है कि उन थप्पड़ों का बदला लेने के लिए तूने और मनु ने मिलकर पहले निमिषा की भाभी और माँ को मारा और फिर निमिषा को भी गायब कर दिया। सर ऐसा नहीं है सर। सर मुझे तो कहानी कुछ और ही लग रही है सर। कौन सी कहानी? निमिषा अपनी माँ और भैया भाभी से बहुत तंग थी सर, और मनु निमिषा के लिए कुछ भी कर सकता था सर। मतलब तू कहना चाहता है कि निमिषा ने मनु के साथ मिलकर अपनी माँ और भाभी को मरवा दिया और फिर अपनी भाभी का रेप भी करवा दिया। रेप? देख तेरा डीएनए टेस्ट होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा, उससे तो अच्छा है कि तू ही उगल दे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। नहीं सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ चल मैं तुझसे बात करती हूँ, हाँ बाद में बात करती हूँ, बाय। हेलो सर। हेलो। आज अंदर नहीं बुलाएंगी? अरे आप आइए ना, आपको तो इस घर में हमेशा वेलकम। सर इस मनोहर का एक नाम मन्नू भी है, खबरियों से इंफॉर्मेशन मिली है कि ये मनोहर और मुन्नू एक ड्रग्स पैडलर है। मैंने अपने खबरियों को मन्नू का ठिकाना पता करने के लिए लगवा दिया और ड्रग्स डीलिंग से जुड़े केसेस के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उन सबको भी उठवा रहा हूँ मैं। निमिषा की एक ड्रग पैडलर से दोस्त है, लेकिन उसकी अपने घर में किसी से नहीं बनती, ना माँ से ना भाभी से। और राहुल ने हमें बताया कि वे सबके लिए राहुल को जिम्मेदार मानते। इनके घर के जरा अंदरूनी हालात पता करो, हो सकता है ये अंदरूनी मामला और क्राइम को इस तरह अंजाम दिया गया ताकि लगे कि बाहरी मामला। यहाँ इतना कुछ हो गया और तुम ये सब। प्लीज मुझे फोन करना बंद करो, तुम्हें पता है यहाँ क्या क्या हुआ है। सर अगर ऐसा है तो इन लाशों पर एक्स मार्क्स की कहानी तुम्हें भटकाने की कोई चाल हो सकती है। अभी तक तो ऐसी लग रहा है, बट यू नेवर नो, हो सकता है इन एक्स मास्क के पीछे भी कोई और ही कहानी छुपी। फाइंड आउट। ओके सर। एक तरफ पुलिस मालिनी और सरिता के मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी और वहीं एक और लड़की का मर्डर हुआ था जो फिलहाल पुलिस की नजर में आया ही नहीं था। लेकिन इस सब में निमिषा और उसके दोस्त मनोहर और मन्नू के गायब होने का क्या रहस्य था? एक तरफ पुलिस निमिषा को भी विक्टिम मान रही थी और वहीं निमिषा के गायब होने की ये थ्योरी भी बनाई जा रही थी कि कहीं इन मर्डर्स में निमिषा का हाथ तो नहीं था। लेकिन इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात मालिनी की लाश के साथ हुए का खुलासा था, लिहाजा इस एंगल को मालिनी से जुड़ी बातों से जोड़ना लाजमी था। और फिर इस केस में कुछ ऐसा मिला जिसने पुलिस की थ्योरी को फिर से बदल दिया। सर, मैंने मालिनी के पुराने दोस्तों से बात की तो पता चला कि मालिनी और राहुल का आपस में उनकी शादी से पहले फिजिकल रिलेशन था, लेकिन ये राहुल मालिनी से शादी करने के बजाय किसी और लड़की से शादी कर रहा था, जिसके बाद मालिनी ने राहुल पे उसका रेप चार्ज लगाने की धमकी दी थी। व्हाट? हां सर, और इसी धमकी के डर से राहुल ने मालिनी से शादी की थी। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। शादी करना चाहता था तो किसी और से, लेकिन करनी पड़ गई मालिनी से, है ना? जी, प्रेरणा को देखते ही मुझे राहुल पे नाज हो गया। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। और जब आपको आपके बेटे की हरकतों के बारे में पता चलेगा ना, तब घिन आएगी आपको। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस गई? वो तुम अपने भाई से पूछो, क्या लगती हूँ मैं उसकी। इसका अफेयर मुझसे है और शादी इस लड़की से कर रहा है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं मॉलेस्टेशन का केस तुम पर फाइल कर दूंगी। जो भी हुआ, लेकिन सर अब मैं मालिनी को अपनी बीवी स्वीकार कर चुका था। और तेरी गर्लफ्रेंड प्रेरणा, उससे तब भी टच में हो ना? झूठ मत बोल, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। राहुल, मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज प्लीज देखो, मना मत करना। यहाँ इतना कुछ हो गया और तुम ये सब। प्लान बड़ा अच्छा था तुम्हारा। उस रात सिंगापुर चला गया और यहाँ पर मर्डर की सुपारी दे गया। वो लूटपाट, एक्स का निशान, वो सब तेरा ही दिमाग था, हमें भटकाने के लिए। अपनी बीवी से इतनी नफरत कि उसकी लाश के साथ करवाया तुमने। बस कीजिए सर, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। अपनी माँ को क्यों मरवाऊंगा मैं? मेरी बहन गायब। आप लोग असली गुनहगार को तो पकड़ नहीं पा रहे, तो मुझ पर ऐसे आरोप लगाने लगे। ठीक, तुम जा सकते। इस बार इसकी गर्लफ्रेंड प्रेरणा, नजर रखो दोनों। अच्छा, कंट्रोल रूम से फोन आया था, बुद्धा गार्डन के पास एक लड़की की लाश मिली है। पीछे हटिए। प्रकाश, लाश की हालत देख के लग रहा है कि इसका मर्डर 2-3 दिन पहले ही हुआ है। इसकी कलाई पर भी सेम एक्स मार्क्स हैं, 5 एक्स मार्क्स। तो क्राइम सीन पे इस लड़की की पहचान की कोई लीड नहीं मिली है। और ये देखिए सर, इस लड़की के हाथों पर भी वैसे ही एक्स मार्क्स हैं जो मालिनी और इसकी साथ सरिता जी के हाथों पर थे। सर, उस डबल मर्डर और एक्स मार्क्स की खबरें अखबारों में बहुत छप रही हैं, तो हो सकता है कि किसी ने उन मर्डर्स का मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करके इस लड़की को मारा हो। पर गौर करने वाली बात यह है कि इस लड़की की कलाई पर 5, मालिनी के हाथ पर 1 और मालिनी की सास सरिता जी के हाथ पर 2 एक्स के निशान। तो हो सकता है इस लड़की के कत्ल का इन दोनों मर्डर से कोई ना कोई ताल्लुक हो, या निमिषा और मन्नू से। और ये दोनों ही गायब हैं सर, कोई ना कोई राज तो है। साहिल, साहिल, नर्स आंखें खोल रहा है। साहिल, 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 हाँ, आंखें खोलिए। मैं सलमा, सलमा मेरी तरफ देखिए ना। साहिल देखिए, मैं हमारा रिश्ता किसी गलतफहमी की वजह से नहीं टूटा था। मालिनी ने जो कहा था वो एक सच था, और जब मैं उससे झूठ बोलकर तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा था तो तुमने नहीं माना। देखो राहुल, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहती। तुम्हें खोने के बाद भी तुम्हारी कमी हमेशा महसूस की है मैंने, और अब जो तुम कर रही हो वो मुझे सही नहीं लग रहा। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? ये मनु ड्रग पेडलर, कब तक ढूंढते रहेंगे उसे? अभी तक कोई लीड क्यों नहीं मिली? सर हमने जिन ड्रग पेडलर्स को उठाया था उनके पास से मनु के 2 नंबर मिले थे, लेकिन सर दोनों नंबर बंद आ रहे हैं। तो क्या करें? हाथ पे हाथ रख के इंतजार करें कि वो अपना नंबर कब ऑन करेगा? 24 घंटे का वक्त देते, 24 घंटे के अंदर अंदर ये मनु मुझे यहाँ चाहिए। सर कमिंग सर। काम सर, जिस लड़की की लाश हमें जंगल में मिली थी उसकी पहचान पता चल गई है। उस लड़की का नाम सिद्धिका है। इस सिद्धिका का मालिनी या उसकी साथ सरिता से कोई कनेक्शन? नहीं सर, ऐसा तो कोई कनेक्शन नहीं मिला। इवन सिद्धिका के फादर तो राहुल की फैमिली में से किसी को जानते तक नहीं है। लेकिन हाँ सर, सिद्धिका के एक बॉयफ्रेंड का पता चला है, इसका नाम है कौशल। और सर साकेत पुलिस से पता चला है कि सिद्धिका का फोन जिस एरिया में बंद हुआ था उस एरिया में इस कौशल का फोन भी अक्सर एक्टिव रहता था। साहिल बताओ कौन था वो, किसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी? क्या हुआ साहिल, बताओ किसने हमला किया था तुम्हारे ऊपर? मैंने किसी को नहीं मारा सर। तिवारी बोल। सर मैं तो सिद्धिका से बहुत प्यार करता था, मैं उसको क्यों मारूंगा? जहां पर सिद्धिका की लाश मिली वहीं पर तो उससे मिलता था, और जिस दिन जिस एरिया में सिद्धिका का मर्डर हुआ उस दिन उसी एरिया में तेरा फोन भी एक्टिव था। वो उस दिन मुझसे मिलने वाली थी, मैं वहां गया तो वो वहां पे नहीं थी और उसका फोन भी बंद आ रहा था। सर सच बता रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। सर सर नहीं मारा मैंने किसी को। पुलिस चल, रुक। सर 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 निमिषा कहाँ है? सर निमिषा ने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने भी कुछ नहीं किया। जो पूछ रहा हूँ वो बता, निमिषा कहाँ है? अरे जाना मनु, तू लेके यार कार के अंदर से। अरे यार निमिषा, वो रुपेश सही बोल रहा था, फिर दारू के साथ ड्रग्स लेगी तो मर जाएगी तू यार। अबे साला तू भी फट्टू है, मैं खुद ले लेती हूँ चल। निमिषा, ए निमिषा, निमिषा, सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, ये खुद अपनी मौत मरी है। मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए मैंने इसकी लाश यहाँ लाके फेंक दी, पर मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, कोई मर्डर नहीं किया सर। तेरा बाप आया तेरी जमानत लेकर, अभी तो छोड़ रहा हूं, लेकिन पता चला कि तूने कुछ किया है तो बचेगा नहीं तू। निमिषा, निमिषा, निमिषा। निमिषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह सामने आया था कि निमिषा की मौत ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि पुलिस मनोहर और मन्नू पर भी पूरी तरह से भरोसा कर रही थी। वहीं राहुल, प्रेरणा, रुपेश और सिक्योरिटी गार्ड जयदेव भी मालिनी और सरिता के मर्डर में सस्पेक्ट नजर आ रहे थे, तो सिद्धिका के मर्डर में उसका बॉयफ्रेंड कौशल भी शक के दायरे में था। लेकिन निमिषा का केस मालिनी, सरिता और सिद्धिका के केस से इसलिए भी अलग था क्योंकि निमिषा की बॉडी पर कोई एक्स मार्क नहीं था, और इस एक्स मार्क की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। सर मैंने पिछले 1 साल के सभी मर्डर केसेस स्टडी किए, लेकिन लाश पर इस तरह के मार्क्स का कोई कनेक्शन नहीं मिला। पर मुझे इन मर्डर्स में कनेक्शन नजर आ रहा है, 1, 2 और सिद्धिका के हाथ पर 5 एक्स, 3 और 4 गायब है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि 2 मर्डर्स और हुए हैं जिनकी लाशों पर 3 और 4 एक्स के मार्क्स हैं? एग्जैक्टली। और शायद ये किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है। 1x, 2x और 5x, बीच में 3x और 4x गायब है। आसपास के थानों में पता करो, मालिनी, सरिता और सिद्धिका के मर्डर के दौरान जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हैं सबके बारे में पता लगाओ। साहिल तुम ये मत समझना कि मेरा भाई मेरे लिए तुमसे बढ़कर है, तुम जिंदगी हो मेरी। साहिल ऐसे पत्थर बन के मत रहो ना, मैं मर जाऊंगी। जैन सर, ये लड़की है नीता। इसकी मिसिंग कंप्लेन इसके कंपनी वालों ने रोहिणी थाने में दर्ज करवाई थी। मैंने जीरो डाउन किया तो पता चला कि ये लड़की इस घर में अक्सर आया करती थी। और सर, यह है योगेंद्र शर्मा, इस घर का मालिक। यहाँ पर अकेला रहता था। आप रोज मेरी खिदमत करती है, ये पिज्जा लेकर आती है, मुझे भी तो मौका दो। आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला सर। ये देखिए, इन दोनों लाशों पर भी वैसे ही एक्स मार्क्स हैं। उधर 3 और यहाँ पे 4। और सरिता जी और मालिनी के घर की तरह हमें इस घर में भी लूट के साइन मिले। सिद्धिका की लाश बाहर मिली, लेकिन अभी भी इन तीनों केसेस की कड़ियाँ आपस में ठीक से मिल नहीं रही हैं। सिद्धिका, सरिता और मालिनी के बीच में हमें कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन इन तीनों वारदातों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और वो कनेक्शन क्या है, इसका हमें पता लगाना। हेलो सर, योगेंद्र शर्मा के पड़ोसियों से पता चला है कि काफ़ी टाइम पहले तक यहाँ पर एक मेड भी काम करती थी, जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर नहीं दिखी। कौन थी वो मेड, और उसका इस कत्ल से क्या ताल्लुक? सर, उस मेड के बारे में तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन एक कॉमन बात का पता चला है। ये जो योगेंद्र शर्मा है, वो राहुल के पड़ोसी दिलीप शर्मा का कोई दूर का रिश्तेदार भी था। हाँ सर, योगेंद्र जी मेरे दूर के कज़िन थे। आपके दूर के कज़िन का कत्ल भी ठीक उसी वक्त हुआ जिस वक्त आपकी पड़ोसन सरिता और मालिनी का कत्ल हुआ। इत्तफाक हमें कुछ समझ में नहीं आया। सर, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। योगेंद्र भैया से महीनों पहले बात हुई थी मेरी। क्या बात हुई थी? उन्हें एक मेड की ज़रूरत थी। मैंने अपनी मेड से कहा कि एक टाइम उनके यहाँ भी काम कर लिया करे। आपकी मेड? वो तो काफ़ी दिनों से छुट्टी पे गई हुई है। नाम क्या आपकी मेड का? सलमा। दिखने में तो बहुत सीधी सादी लगती थी। रहती कहाँ? उस्मानपुर में कहीं। एक दिन यहाँ काम मांगने के लिए आई थी तो हमने उसे रख लिया था। उस्मानपुर में एग्जैक्टली कहाँ? सब वो तो पता नहीं। आपको उसका एड्रेस नहीं पता, और आपने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उसको अपने यहाँ काम पे रख लिया। फोटो है? शायद मेरे मोबाइल में हो सकता है। देखिए फोटो सब। मालिनी और सरिता के पड़ोसी का दिलीप शर्मा से कॉमन कनेक्शन मिला। हो सकता है सिद्धिका से भी इस मेड सलमा का कोई कनेक्शन हो। योगेंद्र ने हमें बताया था कि सलमा उस्मानपुर में कहीं रहती। हिमांशु, पूरा इलाका छानमार और ढूंढ निकालो इस सलमा। एक के बाद एक जिस तरह से ये लाशों पर एक्स के निशान बढ़ते जा रहे हैं, तो मुमकिन है अभी और मर्डर्स हो, और उनकी कलाई पर ये एक्स के निशान 6, 7 या 8 भी हो सकते हैं। लेकिन हमें उन्हें रोकना है। हमें किसी भी सूरत में इस क्राइम को होने से रोकना है। इज दैट क्लियर? यस सर। पुलिस ऐसी हत्याओं को रोकने की कोशिश में भी जुटी थी, और सलमा की तलाश में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। साल 2019 की 1 जनवरी से लेकर अब तक पूरे 28 दिन गुजर चुके थे, और पुलिस को 28 जनवरी 2019 को एक अहम लीड मिली। सर, तकरीबन 10 दिन पहले 18 जनवरी की रात बाईपास रोड के पास वाले जंगल में हमें एक साहिल नाम का लड़का घायल अवस्था में मिला था सर। और सर, ये लड़की सलमा उसकी दोस्त थी, जो हॉस्पिटल में उससे मिलने आया करती थी। सर साहब, साहिल है वो। कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अब कहाँ है लड़की? सर, 3 दिन पहले ये लड़की उस लड़के को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के ले गई थी। कहाँ ले गई? सर, उसने एड्रेस लिखवाया था, लेकिन जब हमने चेक किया तो एड्रेस गलत निकला सर। और वो लड़का, उसको क्या हुआ था? सर, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। जब उसे होश आया तो हमने उसका बयान भी लिया था। मैं तो जा रहा था सर, किसी ने पीछे से चाकू खूब दिया सर। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। लेकिन लड़के ने किसी के ऊपर शक नहीं जताया सर। उस लड़के की बॉडी पर या कहीं भी इस तरह का कोई मार्क्स था? एक्स? नहीं सर, हमें तो मामला लूट का ही लग रहा था, क्योंकि उसका पर्स और मोबाइल दोनों गायब थे सर। इसलिए तुमने हमको जाने दी? एक आम लड़की ने गलत एड्रेस लिखवाया और चकमा देके निकल गई, एंड यू कॉल योरसेल्फ ए पुलिस मैन? इतनी लापरवाही कैसे कर सकते? कुछ आइडिया आपको? इतने मर्डर हो रहे हैं। 31 दिसंबर की रात को रोहिणी में तो मर्डर हुआ, फिर 6 जनवरी को केशवपुर में तो मर्डर हुआ, 14 जनवरी को एक लड़का एक लड़की का मर्डर हुआ, और 18 जनवरी को तुम्हें एक लड़का मिला। जिस पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। और 20 दिसंबर से मैं सलमा को ढूंढ रही। कब से? 20 दिसंबर से। एंड टुडे इज व्हाट? 28। 8 दिन बाद तुम हमारे पास आए। सॉरी सर। थैंक यू। फोटो लिया आपने उस लड़के की? जी सर। साहिल, खाना। साहिल, अभी भी गुड़िया के बारे में सोच रहे हो? साहिल, उसके बारे में सोचना बंद करो, वरना घुटते रह जाओगे। सर, 18 जनवरी की रात को वो लड़का बाईपास रोड के पास एक जंगल में मिला था और मैंने चेक किया कि 18 जनवरी की रात को नरेला में भी एक वारदात हुई थी। नरेला पुलिस से उस केस की अपडेट ली है सर मैंने। सर, ये बच्ची है गुड़िया, नरेला में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। 18 जनवरी के रात को इनके घर में लूट की कोशिश हुई थी जिसमें इस बच्ची का मर्डर हो गया। इस बच्ची का गला भी उसी तरह रेता गया जैसे मर्डर केसेस अपने एरिया में सामने आए हैं सर। क्या इस बच्ची की कलाई पर भी एक्स का मार्क बनाया गया था? नहीं सर, इसकी कलाई पर कोई भी एक्स मार्क नहीं मिला, लेकिन इस मर्डर का मोडस ऑपरेंडी सेम है। इस बच्ची की फैमिली से मिलो, शायद कोई लीड मिल जाए। ओके सर। सर, उस रात हम सब सो रहे थे, घर के दरवाजे का लेस भी अंदर से लगा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा वो लुटेरे हमारे घर में अंदर कैसे घुसे थे। इस लड़की को जानते हैं आप? ये तो हमारी मेट थी साहब। मेट? जी। अभी कहाँ ये? इसने तो कुछ महीने पहले काम छोड़ दिया। ये लड़की सलमा इन लोगों के लिए रेकी करती होगी। ये पक्का कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। और इस लड़के साहिल की फोटो सर्कुलेट करवाओ, जितनी जल्दी हो सके ढूंढो इन दोनों को। चलो। साहिल, जल्दी चलो, पुलिस है। साहिल चलो। दर्द हो रहा है? बोलो, वरना ऐसी चोटें देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे, समझे? शुरू हो जाओ। कौन? सर, 4 कत्ल के बाद उस 5वीं लड़की का कत्ल करते हुए मैं नहीं कापा, क्योंकि उस 5वीं लड़की को मारकर मैंने सलमा की बेइज्जती का बदला लिया। उस लड़की ने सलमा की बेइज्जती की थी सर। हुआ? तू रो क्यों रही है? उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा और बहुत कुछ सुनाया। मैंने बस उसका पर्स लिया था, उसी पे वो भड़क पड़ी। चल। और फिर सलमा ने गुड़िया के घर को अपना टारगेट बनाया था, जहां मुझे आखिरी कत्ल करना था। सर, मैंने नहीं सोचा था कि वहां मुझे उस बच्चे को मारना पड़ेगा। अरे तुम अंदर ही रहो, अंदर रहो। तेरी शान। अंदर जा तू। छोड़ छोड़। ले इसी को मार के मकसद पूरा कर ले, लोग आ जाएंगे, जल्दी कर। ले ले अरे जल्दी काम पूरा कर। अरे मार वरना कोई आ जाएगा, जल्दी कर। चल 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 कोई आ जाएगा, चल 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 चल। मैंने उस बच्ची को मार तो दिया सर, लेकिन उसकी चीखें आज भी मुझे डराती हैं सर। उस बच्ची को सलमा के साथ हंसता देखा था मैंने, मालूम नहीं था कि उस बच्ची को भी मैं सर, अगर गुड़िया मेरी पहली शिकार होती तो मैं कभी दूसरी हत्या ना कर पाता। साहिल अरे मर गया लगता है ये। चल सर मेरी किस्मत बुरी थी जो बच गया, फल जो भोगना था। पर तुमने ये सब किया क्यों? सर हम छहमार का गैंग एक बहुत पुरानी बिरादरी है। हमें परंपरा है कि हम अपने घरों से दूर चले जाते हैं और फिर जाके तय करते हैं कि लूटना किसे। साहब हम इसमें शहर के लोकल गुंडों की मदद लेते हैं जो हमें ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं, ऐसे परिवारों को जिनकी आपस में बनती नहीं है, जो अकेले रहते हैं। जी सर। फिर सलमा वहाँ काम मांगने के लिए जाती है या फिर किसी ना किसी बहाने से वहाँ का मुआयना कर लेती है। और फिर तुम वहाँ जाकर मारकाट मचाते हो और तुम दोनों अपनी झोलियाँ भरकर निकल जाते हो वहाँ से। सर ये सब मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा था सर, मेरी मजबूरी थी सर, शर्त पूरी करनी थी। कैसी शर्त बे? सर हम छहमारों में एक परंपरा होती है, अगर सर हमारी बिरादरी के लड़के को शादी करनी होती है तो उसे 6 हत्याएं करनी पड़ेंगी सर। सर मैं और सलमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे सर। हम लोग नई जिंदगी जीना चाहते हैं, इस अपराध से दूर जाना चाहते थे। और सर जब मैंने सलमा के अब्बा से ये बात की तो उन्होंने यही शर्त रखी। हमारे छोरे को सलमा पसंद है, शादी के बाद वो उसे खुश रखेगा। सलमा से शादी करनी है तो इसे 6 कत्ल करने होंगे। मतलब अगर शादी करनी है तो उससे पहले 6 हत्याएं करनी पड़ेंगी? लेकिन सर मैं सब करना नहीं चाहता था सर। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो हमारी शादी नहीं होने देते, और सर अगर हम भागते तो वो हमें मार देते। इसलिए सर हम हार गए। अपने प्यार को हासिल करने के लिए तुमने हत्याएं करने की सोच ली, यही तेरी हार थी? हाँ सर हार गया मैं, सही कह रहे हैं। लोगों को मारकर अपने प्यार को हासिल करने की सोच रहा था, हार गया सर मैं। अपने प्यार से, अपनी जिंदगी से हार गया मैं सर। साहिल और सलमा को अपने किए पर जो भी पछतावा हो, लेकिन उनके गुनाहों की कोई माफी नहीं है। और उनके बयान के आधार पर पुलिस ने अलग अलग राज्यों से छहमार गैंग से जुड़े कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हमारे देश में तरह तरह की विचित्र प्रथाओं का मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन छहमार गैंग से जुड़ी ये हत्याओं की प्रथा सन्न कर देने वाली थी। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज भी इस तरह के गैंग हमारे देश के कई हिस्सों में एक्टिव हैं, जो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाकर हमारे घरों में घुसने की फिराक में कोई ना कोई जाल बिछा रहे होते हैं। पुलिस लगातार ऐसे गैंग से सतर्क रहने के लिए हिदायतें जारी करती रहती है, और इनसे सतर्क रहना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।